बीच में पूरे सैंडविच लोग देखो, लोग देखो कितने लोग हैं, पूरा लाइट देखो और लोग देखो। ट्रेन बंद है? हाँ पूरा ट्रेन बंद है, लग रहा है कोई जमीन फाड़ के आसमान चीर के प्रकट हुआ है। लोग प्रकट हो रहे हैं, लोग प्रकट हो रहे हैं। धक्का मुक्की करने का प्रयास ना करें, ना करें। जय श्री राम दोस्तों। सुबह के बज रहे 5 और निकल पड़े अयोध्या राम लल्ला से मिलने। देखो भाई सुनसान है रोड भाई। और मस्त हम तो नहावा लिए, कपड़े वपड़े पहन के निकले अभी राम लल्ला से मिलने। हाँ तो मैं हूँ विनीत कटारिया। मैं हूँ विनायक शाह। वेलकम टू विन विन ब्लॉग। जय श्री राम। ट्रिपल वी। लोग दिखा, लोग तो देखो भाई सुबह सुबह लोग देखो और कोहरा भी बहुत है भाई, इतना रश है और अभी तक गेट खुले नहीं है, इसीलिए पूरा रश जैम करके रखा हुआ है। सुबह के 6 बजे। जय श्री राम। बात कर रहे हैं तो लोग आगे कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा आगे और सैंडविच हो रहे हैं बीच में, पूरे सैंडविच हो रहे हैं। लोग देखो कितने लोग हैं। वाह भाई वाह। पूरा लाइट देखो और लोग देखो। जय श्री राम। सुबह के बजे 6 और आ गए राम लल्ला के दर्शन के लिए। जय श्री राम। पूरा ट्रेन बंद हो चुकी है, फिर भी लोग पता नहीं कहाँ से आए हुए इतना भक्त राम। ट्रेन बंद है? हाँ पूरा ट्रेन बंद है, लग रहा है कोई जमीन फाड़ के आसमान चीर के प्रकट हुआ है। लोग प्रकट हो रहे हैं, लोग प्रकट हो रहे हैं। हाँ लोग प्रकट हो रहे हैं। राम भक्त पीछे भाई, वो लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल या कोई इसी टाइप का कैमरा या बैग वैग कुछ अलाउड शायद नहीं है, और लॉकर अभी तक खुले नहीं है, तो शायद सब लोग को वेट तो करना पड़ेगा। शायद अपना कैमरा और माइक वाइक भी सब रखना पड़ेगा। हाँ जब तक वो सब खुलेगा नहीं तब तक शायद अंदर जा नहीं सकते। तो भाई देखो यहाँ पे सामने हनुमान गढ़ी है, कनक महल है और दशरथ महल है ये साइड पे। हम लोग ने सोचा कि भाई टाइम को यूटिलाइज किया जाए और पहले हनुमान गढ़ी जाके दर्शन कर ले, तो क्योंकि यहाँ पे तो लॉकर खुले नहीं है और लोगों को अंदर ले नहीं रहे लॉकर के लिए, इतनी लाइन लगा के रखी है। और देखो अभी भी सब ये परिसर में बन रहा है बहुत सारी चीजें। देखो ये सारे स्टोर्स बन रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें बन रही हैं। ये सारे स्टोर्स बनेंगे। नहीं था ध्यान से देखना था, वो जो कार्ड लगा के घूम रहे थे ना, हाँ वो वीआईपी थे। तो देखो भाई वीआईपी कल्चर तो हर जगह रहने ही वाला है, वो रहने वाला है, वो ठीक है, वो आप उसको कुछ निकाल नहीं पाए। मैं मना नहीं कर रहा, बट जब वो पता है इतनी पब्लिक खड़ी है आप उनके सामने इधर से कर रहे हो, ये भी तो था पास वीआईपी का ही, ये बिल्कुल साथ में था, किसी को पता भी लगना था इधर से चले जाना था। एक्चुअली मुझे पहले हनुमानगढ़ी जाना था बिकॉज अयोध्या के कोतवाल जो है, अयोध्या के कोतवाल ने अभी करेक्ट किया ना सुनील जी ने। अच्छा कोतवाल तो कोई दूसरे भगवान है, ये अयोध्या के राजा है, मतलब ये जब राम जी छोड़ के गए थे अयोध्या तो इनको राजा बना के आपकी आपका पहला दर्शन होगा यहाँ पे। करेक्ट। तो ये देखिए भाई हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी। धक्का मुक्की करने का प्रयास ना करें, ना करें। हम आ गए हैं नंदिनी मिष्ठान भंडार। अच्छा जय श्री राम। Thank you.
अयोध्या के राजा से तो मिल लिए, अब चलते हैं राम लल्ला से मिलिए, द मेन राजा। चलो भाई निकलते हनुमानगढ़ी के दर्शन भाई, हनुमान वापस आ गए हैं, राम बस आ गए हैं राम लल्ला के दर्शन के लिए। अभी देखते हैं अभी क्या सीन है। हाँ। अभी हमको जाना है पहले लॉकर का सीन पता करना है, यहाँ पे सब सामान रखना और फिर जाना है, इतना तो पता चलिए। हाँ देखो भीड़ भी थोड़ी कम हो गई है भाई। तो ये देखो ये है मेन एंट्रेंस कोहरा ही कोहरा, मेन गेट से लोग आ रहे हैं। हाँ। और यहाँ जा रहे मेन गेट से आ रहे हैं, मेन गेट से। ऐसा सुना था अगर आपको अयोध्या में रामलला के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले आपको रामगढ़ हनुमानगढ़ी जाके अयोध्या के राजा के दर्शन करने होते हैं, वो है हनुमान जी। यस। जिसको प्रभु श्री राम ने वहाँ पे बिठाया था, बोला था आप पूरे अयोध्या की रक्षा करना। यस। तो हमने कर लिए हनुमान जी के दर्शन और अब चल रहे हैं राम लल्ला से मिलने पीछे। श्री राम श्री राम। तो रखेगा वो सीन है ना, तो लॉकर इतने कम है, लॉकर कम है प्लस भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है। व्यवस्था नहीं है, बोल रहे व्यवस्था नहीं है, लॉकर जल्दी नहीं मिल रहा है या जूते रखने की जगह नहीं है। उस तरफ ध्यान नहीं दीजिए, व्यवस्था एकदम कड़क है अपनी। अंक मैं चाचा अच्छी की है, अरे यहाँ सामने इनके सामने तो बोलना ही पड़ेगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा व्यवस्था है, ऐसा कुछ नहीं नहीं, नहीं अभी तुरंत ही दो तीन दिन में मत आइए, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे, आप आराम से एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ आप आ सकते हो, बस आप सामान का थोड़ा जुगाड़ करके आना बाहर, बिकॉज अंदर लॉकर रूम थोड़े कम है, बस वही प्रॉब्लम। बाकी देखो फ्री फ्लोइंग है दर्शन, बस फ्री फ्लो करके आप आ सकते हो। अंकल जी ने भी बोला है कि एकदम ही बढ़िया मंदिर बना है। भाई हमने क्या सोचा कि भाई इतना सारा लॉकर तो है नहीं अवेलेबल, तो हमने राजेंद्र जी को बुलाया है बाइक पे, हमारे होटल से जो हमको लेके आए थे। हाँ, तो वो अभी पूरा लेके आ रहे हैं एक बैग वैग जिसमें हम सारा सामान डाल के अंदर दर्शन फिर करेंगे दर्शन, उसके पहले पीते चाय। हाँ, उसके पहले चाय गर्मा गर्म चाय। देखो चाय का क्या इम्पोर्टेंस अपने चाय कैसा गुस्से में हंसने लगा कैमरा का, देखा कैमरा का वर्चस्व ऐसा है।